अंकित भाई, भाई। लठिया लेके कहाँ जा रहे हो? ये भैंस चराने। भैंस कहाँ है? हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्होंने कदे कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओदा मतलब ये हुंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बिल्कुल सही। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। मैं हूं आपका दोस्त एजे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आज का ब्लॉग है ये बनाने का मेरा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने आज कुछ और ब्लॉग बनाने का सोचा था बट वो हो नहीं पाया क्योंकि सडनली मेरे पास एक शूट आ गया। तो मैं स्टूडियो पर फाइनली पहुँच चुका हूँ। ये है अपना स्टूडियो एंड छोटे हाय कर। तो अब मैं यहाँ पर कैमरा किट अपनी पैक करूँगा। तो जिस किसी को भी नहीं पता, मैं ये बता दूं कि मैं बाय प्रोफेशन एक फ़ोटोग्राफ़र भी हूं और अभी वेडिंग सीज़न ऑफ चल रहा है इसीलिए मेरा काम थोड़ा सा कम है। तो इवेंट का शूट आ गया मेरे पास, तो फाइनली मैं जा रहा हूं इवेंट के शूट पे। तो जब तक हम मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं उससे पहले थोड़ी सी ज्ञान की बात ही हो जाए। तो मुझे लिटरली नहीं पता था कि ब्लॉग का मतलब क्या होता है, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। मैंने अपने दोस्तों से काफ़ी पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी नहीं करना होता, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना होता। किसी ने मुझे सजेस्ट किया सौरभ भाई की वीडियो देखो, अरे वही चपना सौरभ जोशी। तो मैंने लिटरली आधे घंटे की उनकी वीडियो देखी। आफ्टर दैट मेरे को समझ में आया कि साला व्लॉग में सच्ची में कुछ नहीं करना होता, बस जो भी आप कर रहे हो उसे रिकॉर्ड कर लो एंड ब्लॉग बन जाएगा। मैं मेट्रो से उतर चुका हूँ करकरडूमा के और यहाँ से पता नहीं अभी और आगे कितना दूर जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। भाई यार हद हो गई है, थर्ड फ्लोर पे मेट्रो स्टेशन कौन बनाता है यार। दोस्तों मैं जैसे ही मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरा मुझे एक माता रानी का मंदिर दिख गया, तो मैंने यहाँ पे रुक के माथा टेक लिया। एक्चुअली मैं गलती से थोड़ा पहले ही उतर गया था, तो मैंने यहाँ से रिक्शा ले लिया है और यहाँ से मे बी 10 से 15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था जिस वजह से मैंने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं किया, मैं जस्ट वीडियो को रिकॉर्ड करके लेके आ गया था और अभी घर पे बैठ के इस वीडियो पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक स्पोर्ट्स का इवेंट था जहाँ पर वॉलीबॉल का मैच चल रहा था, जहाँ इंडिया के अलग अलग स्टेट से गर्ल्स एंड बॉयज आए थे वॉलीबॉल का मैच खेलने के। मेरी लास्ट वीडियो में नकुल भाई ने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में लड़की बोला तो फेमस हो जाएगा, तो यार देखो अब तो इतनी सारी लड़कियां लेके आ चुका हूँ मैं एक ही वीडियो में। एंड में बॉयज़ का मैच हो रहा था वॉलीबॉल का, जो कि फाइनल मैच चल रहा था दिल्ली वर्सेस गुजरात का। मैच चलते चलते शाम हो चुकी थी एंड में दिल्ली की टीम जो है गुजरात की टीम से जीत गई थी, तो उसी के सेलिब्रेशन में देखो सभी लोग डांस कर रहे हैं। I can't sing.
मेरा शूट हो चुका है पूरी तरह से खत्म और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाऊँगा, मेट्रो स्टेशन से मैं सीधा घर जाऊँगा भाई। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे जैसे दिन ढल गया है शाम हो गई, शाम से अब रात हो गई, तो ठंड भी उसी हिसाब से बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा हो गई यार अब। मेट्रो स्टेशन कितना ज़्यादा खाली है, देखो इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं बस यहाँ पे। तो लो भाई, दिल्ली मेट्रो ने कर दिया सबके साथ एक छोटा सा मजाक, तो सभी को पहले ही उतरना पड़ गया। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बढ़िया बढ़िया कमेंट करना, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।